जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज दोस्तों हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वह इन्वायरमेंट का सेक्टर करेंगे, और ध्यान रखिएगा वह आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल। यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम को आप उल्टा के यदि देखिए तो कई बार सवाल और कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन रूप से हम लोग आज एटमोसफेयर वायुमंडल का सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आप यदि हम लोग कहाँ रहते हैं भाई, धरती पर रहते हैं, तो इससे ऊंचाई ऊपर की ओर दोस्तों यदि बढ़ते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर आता है, हमारा वातावरण आता है। और वातावरण की दोस्तों यदि बात करें तो वातावरण का फैलाव हमारा जो है ना 1000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो ये अपना ध्यान से ये चीज़ रखिएगा कि पृथ्वी का वातावरण जो है वह 0 किलोमीटर से लेके लगभग 1000 किलोमीटर तक है। और सामान्यतः दोस्तों इसे वैज्ञानिक जो है सुविधा के आधार पे 5 भागों में बांटते हैं। वो भाग कौन कौन सा होता है यह चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले यदि दोस्तों हम भाग की यदि बात करते हैं तो पहले भाग को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरे भाग को यदि देखा जाए तो समताप मंडल, तीसरे को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं, और चौथे को हम लोग बाहरी मंडल कहते हैं। और इस चीज़ों को यहाँ से समझना बहुत बारीकी तरीके से है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल, अब क्वेश्चन फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। नीचे से ऊपर लेयर की यदि दोस्तों हम चर्चा करें तो सबसे नीचे वाला लेयर मैं अभी जस्ट आपको बताया हूँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कह देते हैं। आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा एग्ज़ाम में पैटर्न का बदलाव किया है, यहाँ पर क्षोभ मंडल नहीं देता है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे चाहे वह हिंदी में हो या इंग्लिश में, वहाँ पे वह मुख्य रूप से दोस्तों देखा जाए तो दे देते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, या ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं ट्रोपोस्फेयर तो क्षोभ मंडल ना देगा, दे देता है ट्रोपोस्फेयर, तो पजल मत होइएगा। दूसरे कंडीशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो दूसरा दोस्तों हमारा होता है समताप मंडल, इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रेटोस्फेयर, एस्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे की दोस्तों यदि बात करें तो तीसरे को हम लोग बोलते हैं मध्यमंडल, तो ये तो आपको पता ही होगा मीजोस्फेयर। चौथे की यदि हम बात करें, चौथे को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, जिसे हम लोग आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, आयनोस्फेयर। और पांचवे की यदि मैं बात करूं तो पांचवे को दोस्तों क्या कहते हैं, बाह्यमंडल कह देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ, ये हो गया एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल से ऊपर यदि हम लोग इससे ऊपर जाते हैं तो इसी के ऊपरी वाले दोस्तों भाग को यदि देखा जाए, इसी ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, अंतरिक्ष। तो यदि आपसे कभी सवाल पूछा जाए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल, दूसरे सेंस में फटाक से समझिए, ये हमारा अर्थ है भाई, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये अर्थ के चारों ओर गैसों का आवरण है, ठीक है, गैसों का फैलाव है। इसी को मुख्य रूप से देखा जाए तो पृथ्वी का वातावरण हम लोग कह देते हैं। तो पृथ्वी का वातावरणीय विस्तार कितना किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर तक है। इसे आप याद रखेंगे कौन से लेयर को किस नाम से जानते हैं। एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि ध्रुव की ओर से, ध्रुव कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यदि ध्रुव की ओर से हम लोग ऊंचाई बढ़ते हैं तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर कितना किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है, ये आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई बार सवाल दोस्तों पूछा गया है, यदि ध्रुव से बढ़ते हैं तो इसका विस्तार मात्र 8 किलोमीटर होता है, जबकि इक्वेटर 0 डिग्री, ध्यान रखिएगा आप लोग पढ़े हुए हैं, विषुवत रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं तो हमारा क्षोभ मंडल का दोस्तों विस्तार कितना होता है, 18 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से, ये जो किलोमीटर है बस इतना ही किलोमीटर में हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते जाते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों प्रश्न जो यहां से पूछा जाता है, वो एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, वर्षा हो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे तूफान तेज चलती हो, हवा स्लो चलती हो, बारिश होती हो, चक्रवात आता हो, तो यहां से एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि मौसम से संबंधित
कोई भी घटना, तो ध्यान रखिएगा आप माइंड में एकदम भाई फिट कर लो, मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती है वह किस लेयर में, क्षोभ मंडल में, इससे बाहर कुछ नहीं है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या दूसरे लेयर में क्षोभ मंडल को छोड़कर दोस्तों और किसी लेयर में बारिश नहीं होता है, साफ साफ माइंड में सेट कर लो। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं, ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित सभी प्रकार की घटना होती है। अब एक चीज बताओ आप लोग, यदि आपसे कभी सवाल पूछ दिया जाए, हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लाउड्स का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो यदि आपसे कभी पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम क्लाउड्स, मैक्सिमम बादल कितने किलोमीटर तक बन सकता है, तो मैं अभी आपको क्या बताया हूं, मौसम से संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं जो होगी वह किस लेयर में होगी, क्षोभ मंडल में। तो क्लाउड्स क्षोभ मंडल का विस्तार मैक्सिमम कितना किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर तक ही क्लाउड्स बादल बन सकते, क्लियर, इससे और ज्यादा कुछ दोस्तों नहीं देखना है। अगले ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो सेकेंड लेयर का क्या नाम है भाई, समताप मंडल। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सभी एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है, ध्यान रखिएगा मैं साफ साफ आपको बता रहा हूं, जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर गैसों का परत है, एक तरह से कह सकते हैं पृथ्वी का या बॉडीगार्ड है, पृथ्वी का या सुरक्षा कवच है, या आने वाली सूर्य की जो यूवी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरण, उसे छानने का काम करती है। तो ये अभी दोस्तों सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि समताप मंडल या आपसे पूछ देगा ओजोन गैस किस लेयर में पाए जाते हैं, तो ओजोन गैस समताप मंडल के बीच में पाए जाते हैं। और एक सवाल आपसे पूछ देता है, लगभग ओजोन गैस की मोटाई कितनी होती है, तो ये यदि फैलाव पूछे या मोटाई, तो इसकी यदि मोटाई की दोस्तों बात करें तो मुख्य रूप से 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। और यह काम क्या करता है भाई ओजोन गैस, तो ओजोन गैस का काम होता है सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी किरण है, उसे क्या करते हैं, ये छानने का, फिल्टर करने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन कई बार दोस्तों साइंस में यहां से पूछा जाता है कि यदि ओजोन गैस ना होता तो क्या होता, तो ओजोन गैस ना होता तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरण आते, और इससे एक सवाल आता है, इससे सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है, आप एग्जाम में यदि देखिएगा दोस्तों, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक और सवाल मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो ओजोन गैस जो होता है, ओजोन गैस बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है भाई, क्षरण हो रहा है, नष्ट हो रहा है। सवाल पूछा जाता है ओजोन गैस नष्ट होने का मेन कारण क्या है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह भी चीज आप दोस्तों ध्यान में रहे। एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ओजोन गैस को नष्ट ना होने दें या ओजोन गैस को क्षति से बचाने के लिए 16 सितंबर, ध्यान रखिएगा 16 सितंबर 1987 डेट माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग, 16 सितंबर 1987 में कनाडा में एक दोस्तों टाउन एरिया है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन क्षरण को नष्ट होने से बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया था। वह कब किया गया था, 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस भी मनाते हैं। यहां से इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो यहां से जो भी प्रश्न आएगा वो क्लियर हो जाएगा। एक सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि जब आंधी तूफान का मौसम हो, जब बरसात का मौसम हो, तो भाई जो प्लेन चालक, हवाई चालक, मान लो यहां से किसी को भाई जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो आंधी तूफान में तो उसी लेयर में जाएंगे नहीं, तो एक सवाल पूछा जाता है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, प्लेन चालक अपना प्लेन समताप मंडल के निचले लेयर में, यह भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने आप प्लेन चालक कहां ले चला जाता है भाई प्लेन को, तो समताप मंडल को तीन भागों में बांट दिए, एक तो ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला ओजोन वाला हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया भाई, तो यहाँ का पूछा जाता है क्यों यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ का दोस्तों मौसम जो होता है, हवा शांत और स्वच्छ होता है, और यही आपके पेपर में एक ऑप्शन होता है, यहाँ का हवा काफी शांत और स्वच्छ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। मध्यमंडल हमें नहीं पढ़ना है, कोई मैटर नहीं है,
लेकिन हमें आयन मंडल दोस्तों पढ़ना होता है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव या रेडियो तरंग किस लेयर में पाए जाते हैं। तो रेडियो दोस्तों जो तरंग पाए जाते हैं वह आयनोस्फीयर या आयन मंडल में पाए जाते हैं। इसके बाद आप ऊपर यदि जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, वायुमंडल हो जाता है। और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और इस प्रकार अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इससे कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे बिल्कुल फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे कैसा दिखाई देता है। सब ये सब साइंस के क्वेश्चन हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अंतरिक्ष से यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पे दोस्तों देखते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। दो और फैक्ट मैं बता रहा हूं, यह चीज ध्यान रखिएगा। और वह अगला सवाल यह पूछा जाता है, जैसे दोस्तों पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान हमारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तापमान हमारा लगातार क्या होता है, घट जाता है। तभी तो हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तभी तो भाई बर्फ बना हुआ है। बर्फ कब बनता है, जब तापमान घटता है तभी तो। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है। इस कारण से दोस्तों दो फैक्ट सवाल यहां से बनते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाता है, फैक्ट सवाल है, तो टेम्परेचर कितना घटता है, तो माइनस जो है ना टेम्परेचर माइनस में 1 डिग्री घट जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल दोस्तों यह पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया, सवाल दो तरह के हैं, 165 मीटर ऊंचाई जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर का लॉस होता है, उसी प्रकार 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पे कितना टेम्परेचर घटेगा, यह आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। और यह दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है, तो 6.4 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है भाई, लॉस होता है। तो यदि देखा जाए मोटे तौर पे वायुमंडल से यही सवाल पूछे जाते हैं। एक और दोस्तों हम इसमें छोटा सा सेक्टर और देखेंगे जो वायुमंडल का दूसरा फेज होगा, लेकिन अपने आप में वो अलग होगा, ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।